राजनीति के कारण कांग्रेस छोड़ा था, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन लगा कि जिंदगी में बहुत भारी भूल की थी हमने। भाजपा में भी मैंने ईमानदारी में कमी नहीं की, लेकिन वहाँ काम का माहौल नहीं है, वहाँ चाटुकारों का माहौल है, वहाँ पर दो व्यक्ति चला रहा है। अभी सब लोग जानता है कि भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय, बिहार की जनता सबसे ज़्यादा सजग है, देश की जनता भी देख रही है आपकी हरकतों को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार में कैसे आप घिरे हुए हैं भ्रष्टाचारियों से और वंशवादियों के सम्राट बन चुके हैं, अब आपका कोई भरोसा नहीं रहा देश की जनता का आप पर। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने सीधे तौर पे भाजपा पे निशाना साधा और कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि कांग्रेस छोड़ करके मैंने भाजपा का दामन थामा था। आज भाजपा जो है किसी खास व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं था। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में नाराज़गी थी, जिसके वजह से कांग्रेस छोड़ करके मैं भाजपा ज्वाइन किया, जो मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती या भूल कहा जा सकता है। आइए सुनते हैं विनोद शर्मा ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस में लौटा निश्चित रूप से मुझे रहा, देखिए नाराजगी के कारण कांग्रेस छोड़ा था, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन लगा कि जिंदगी में बहुत भारी भूल की थी हमने और उसका प्रायश्चित करने का अखिलेश जी ने हमें मौका दिया है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी के हाथों को हम पूरी मजबूती देंगे। दिन जी जान से हम काम करेंगे इस पार्टी के लिए, लगातार एक वर्कर के रूप में हम कभी रहे हैं, किसी पद पर भी रहें तो काम करते रहें। भाजपा में भी मैंने ईमानदारी में कमी नहीं की, लेकिन वहाँ काम का माहौल नहीं है, वहाँ चाटुकारों का माहौल है, वहाँ पर दो व्यक्ति चला रहा है। अभी सब लोग जानता है कि भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय उसका मालिक है, एक बसा बैल खोज के लाया है कि वोट मिलेगा, लेकिन बसा बैल से कोई वोट नहीं मिलने वाला है, मुरेठा बांध के घुमा रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता जग चुकी है, अखिलेश सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे मजबूती से उभरेगा इस बिहार में, और आने वाले दिनों में कांग्रेस की ओर काफ़ी झुका हो रहा है, काफ़ी घबराहट है भाजपा में। मैंने देखा, मैं तो प्रतिदिन बैठता था 8 घंटे वहाँ, काफ़ी घबराहट है। राहुल जी का जो यात्रा हुआ इसे काफ़ी छटपटाहट है। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात भाजपा करती है, वो भूल रही है कि 90% हिंदू हैं हिमाचल में, क्या हाल हुआ, हिंदुत्व का नारा फेल हुआ। और बजरंग बली जी का नाम लेकर लोग ठग रहे थे, बजरंग बली ने कर्नाटक में कमर तोड़ दी है भाजपा का, और लोकसभा चुनाव में उनकी गर्दन तोड़ेंगे बजरंग बली जी, क्योंकि आप धर्म के नाम पर बहुत दिनों तक राजनीति नहीं कर सकते। हनुमान चालीसा का पाठ कहीं सुना है कि बिना नहाए धोए पार्कों में क्या मजाक करवा रहे हो लोग तुम धर्म के साथ, ये ढोंगी लोग। हमारा शांति स्थल था सनातन धर्म में, शांति से हम कहीं पूजा करते हैं घर में बैठ के मंदिर में, ये पार्क में मजाक बना रहे हैं हनुमान जी का, कभी राम जी का, कभी किसी देवता का, क्योंकि वो जान रहे हैं कि धर्म के नाम पर इनको जोड़ेंगे। लेकिन बिहार की जनता सबसे ज़्यादा सजग है, देश की जनता भी देख रही है आपकी हरकतों को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार में कैसे आप घिरे हुए हैं भ्रष्टाचारियों से और वंशवादियों के सम्राट बन चुके हैं, अब आपका कोई भरोसा नहीं रहा देश की जनता का आप पर। और निश्चित रूप से आपको जवाब देना होगा कि अभी अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल से लेकर प्रफुल्ल पटेल जैसे भ्रष्टाचारियों को 3 दिन तक आप गालियां दे रहे थे, उसके बाद माला पहन के स्वागत करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जो बोलता कुछ है और करता कुछ है, देश की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा जो इंडिया गठबंधन है भारी बहुमत से जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़े भाई अखिलेश सिंह को फिर से कि हमें प्रेरित किया कांग्रेस में आने के लिए। तो आपने सुना विनोद शर्मा सीधे तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी, इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती है मेरे लाइफ में। लेकिन आज पुनः अगर मैं कांग्रेस में आया हूँ तो कांग्रेस को मजबूत करूँगा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कर बिहार में पुनः मजबूती के साथ वापस आऊँगा और 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बिहार से भी बेदखल करूँगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं मनीष पटना।